दोस्तों, प्रतापगढ़ शहर, जो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, इस शहर को बेल्हा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सरू नदी के किनारे बेल्हा माता का मंदिर उपस्थित है। बेल्हा माता के नाम पर इस जिले का नाम प्रतापगढ़ रखा था। दोस्तों, प्रतापगढ़ वही शहर है जहाँ के विधानसभा क्षेत्र पट्टी से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय प्रतापगढ़ शहर में बना है। यह शहर प्रयागराज मंडल के अंतर्गत में आता है। दोस्तों, प्रतापगढ़ शहर की स्थिति की बात करें तो यह शहर उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। प्रतापगढ़ शहर अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं मिलता है, जिसमें प्रयागराज शहर, जौनपुर शहर, कौशाम्बी शहर, सुल्तानपुर और रायबरेली शहर शामिल हैं। सरयू नदी के किनारे बसा यह जिला राज्य की राजधानी लखनऊ से 202 किलोमीटर, वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली से 690 किलोमीटर की दूरी पर बना है। जिले के इतिहास पर नजर डालें तो प्राचीन समय में यहां राजा प्रताप बहादुर ने अपना मुख्यालय रामपुर के निकट एक कस्बे अरोड़ा में बसाया था और यहीं पर एक किले का निर्माण करवाया था और शहर का नाम प्रतापगढ़ रखा था। धीरे धीरे इस किले के आसपास का स्थान इसके लिए के नाम से जाना जाने लगा, परंतु कुछ समय के बाद 1858 में शहर का पुनर्गठन किया गया। तब शहर का मुख्यालय बेल्हा में उपस्थित किया गया। वर्तमान समय में यह शहर बेल्हा प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। वह लगभग 37,18,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की जनसंख्या 18,60,000 के करीब है तथा महिलाओं की जनसंख्या 18,57,000 के आसपास है। जाति धर्म के अनुसार प्रतापगढ़ शहर में 85.11% हिंदू, 14.10% मुसलमान, 0.95% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से प्रतापगढ़ जिले में कुल 5 तहसीलें मौजूद हैं, जिसमें रानीगंज, कुंडा, लालगंज व पट्टी शामिल है। जिले में 17 ब्लॉक और 22 पुलिस स्टेशन बने हैं। आवागमन के दृष्टि से प्रतापगढ़ शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, देसी मार्गों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग प्रतापगढ़ जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन अपने रेल मार्ग के द्वारा लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जैसे देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग प्रतापगढ़ जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 731 को जोड़ती है, जो आगे चलकर लखनऊ, प्रयागराज जैसे देश के बड़े बड़े जिलों से जुड़ती है। प्रतापगढ़ शहर की सरजमी पर कई महान हस्तियों ने जन्म लिया है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, राजा रघुराज, प्रताप सिंह जैसे महान हस्तियों ने जन्म लेकर इस जिले का नाम रोशन किया है। प्रतापगढ़ जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जहां की मुख्य फसलें गेहूं, धान, मक्का व गन्ना है। इसके अलावा आंवले की खेती सबसे बड़े स्तर पर की जाती है, जिससे पूरे भारत में सबसे ज्यादा आंवला प्रतापगढ़ जिले से उत्पादित किया जाता है। प्रतापगढ़ शहर अपनी खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो आइए दोस्तों, इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताते हैं। शनिदेव मंदिर। शनिदेव मंदिर प्रतापगढ़ शहर के विश्वनाथ गंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह काफी प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर वर्तमान समय में प्रमुख आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, कंपनी गार्डन प्रतापगढ़ शहर का प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह खूबसूरत गार्डन प्रतापगढ़ शहर के सिविल लाइन के पास में बना है। यहां पर शहर के लोग सुबह के समय घूमने के साथ साथ योग करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा नाग वासुकी मंदिर, भक्ति धाम मंदिर जैसे कई प्रमुख पर्यटन स्थल प्रतापगढ़ शहर में मौजूद है, जिनकी सुंदरता का आनंद उठाने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।